तो गाइस व्यू देखिए कितना प्यारा है सुबह सुबह का। सुबह क्या टाइम हो रहा है भैया? सर साढ़े सात का टाइम हो रहा है और ये देखिए बादल पहाड़ों पे ही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम और सामान वैसे खिंडा रखा है प्रॉपर तरीके से, निकल के चलेंगे तब तरीके से रहेंगे। तो फिलहाल पियेंगे अपनी चाय या कॉफी जो मिलेगा, फिर यहाँ चलते हैं क्योंकि वो सर विंड वॉशर में पानी बहुत जरूरी है शीशा साफ करने के लिए। और भाई साहब जो सामने का नज़ारा जो आ रहा है ना, अल्टीमेट आ रहे हैं। और शाम यहाँ से कॉफी पी के फिर चलेंगे आगे। और ये भर गया पानी। तो भाई फिलहाल हम पी रहे हैं अपनी कॉफी, क्या बना रखा जो कड़क काफी ने पिया अभी, अगर हम बढ़िया बना रहे मस्त बना रहे। तो फिलहाल हम कॉफी पी के चलते हैं यहाँ से। भाई जहाँ चल दें गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी गाड़ी करेंगे स्टार्ट। देखो कोल्ड स्टार्ट करते हैं, हो गई स्टार्ट। स्लोरिंग चार्जिंग लगा ले, जाते हैं फोन चार्ज लगा लेते हैं। तेल लगा ले तूने? मेरे मेरे लगा ले तो गाड़ी चल दी है, अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। तो भाई बोलो शंभूनाथ की जय। तो चल दी यहाँ से। दिख गए तो भाई साहब ये है पहाड़ों के नजारे जो अल्टीमेट हैं। और सामने कुछ ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है हमें भाई साहब, दिख गई क्या मस्त है यार। पहाड़ दिख गए भाई साहब, वाइट पहाड़ दिख गए। आपको जूम कर दिखाते बोरे आ रहे हैं जी, आ रहे हैं आ रहे हम भी वहीं पे ही। मतलब जो दूर से देखने से ही यार इतना मतलब मजा मस्त नजारा मिल रहा है ना। और ये देखिए गाइस पहाड़ों पे कैसे बैठे हैं बादल, मतलब एक सफेद परत सी लगा दी बादलों ने भाई। और नदी का भाव देखो यार भाई, ये देखो नदी का भाव देखो भाई साहब, आवाज आ रही है गजब भाव है नदी का गजब। सुबह उठ के और ये नजारे अगर किसी ने नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा, गजब है भाई, शब्दों में बयां ही नहीं किया जा रहा जो ये नजारा देखने को मिल रहा है अपने को। बारिश आ गई तो सारी दिक्कत हो जाती है वहीं पे, ना ही तो बाहर जाके कुछ देख सकते हैं ना ही कुछ, और बस गाड़ी में बैठे रहना यार। तो गाइस जैसे ही मस्त मस्त नजारे देखने के लिए अपने चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो भाई साहब नजारों के मजे लेते लेते जा रहे हैं और मनाली के लिए निकल चुके हैं। मनाली यहाँ से दिखा रहा है 61 किलोमीटर। और भाई साहब जो ग्रीनरी आ रही है ना, वाह पहाड़ों की अल्टीमेट है भाई। तो भाई साहब टोल गेट आ गया और टोल गेट निकलते ही उसके सामने जो सुंदर सा मंजर है ना, वो जैसे भूतो टाइप मूवी नहीं होती है आंसू, उस टाइप नहीं रहते वाला कोरा सा और डरावना सा, मतलब कुछ ऐसा एक परत ही रहती है वो चीज है। तो कहा ये नजारा देखिए, नीचे पानी ऊपर भाप सी जैसे बादल की परत हो।
क्या लग रहा है भाई। वो आपने पढ़ा था 1200 रुपए का, और खाना भी, खाना भी हमने तो आलू के पराठे लिए थे, ज्यादा कुछ लिया नहीं, आलू के पराठे लिए थे बस। खाना वाना सब मिला के ना 1580 का, ना 1680 भाई। आके कॉफी भी पी थी और फिर उसके बाद रूम लिया था, फिर उसके बाद डिनर किया था, अब सुबह फिर कॉफी लिया, तो 1680 पड़ा टोटल अपने को जो कॉस्ट आई है वो। तो मनाली 49 है, मणिकर्ण 31 है, और सामने नजारे, और हवाई अड्डा 31, और सामने का नजारा देखिए, नजारे यहाँ तो नजारों का सैलाब है। कितने नजारे दिखाए, क्या क्या दिखाए, क्या दिखाए, क्या ना दिखाए, क्या कैप्चर करे और क्या ना करे, पर भाई पहाड़ देख कितना प्यारा लग रहा है ना। तो गाइस फिलहाल ये है कुल्लू, कुल्लू पहुंच चुके, और ये कुल्लू का कुछ शहर है, कुल्लू शहर के नजारा भाई सब बीच में दिखा ना ब्लू, और सामने देखिए कल से देखने को मिला है। हाँ, खुला हुआ आसमान देखने को आज मिला है, नहीं तो कल से बादल 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 ही बादल। केलांग हो गया 110 किलोमीटर, ले 466, ले 466 है, मनाली 40 बच गया, और ये साइड ही जा रही है रेवर। तो ये देखो नदी, ये नदी का पानी कितना ठंडा होगा यार। तो ये देखिए गाइस, आई लव कुल्लू, कुल्लू की वादियां, और भाई जो उस साइड जो अल्टीमेट वो दिख रहे हैं ना, जो आपको वो बादल से दिख रहे हैं, और उसके सामने जो पहाड़ी ही दिख रही है व्हाइट सी, छोटी सी छोटी सी, बीच बीच में दर्शन दे रही है वो, बीच बीच में एकदम से हमें, हमारे को मोटिवेट मोहित कर रही है वो अपनी साइड, आ जाओ जल्दी से, और हम भी मोहित हो रहे हैं उनको देख देख के, इतना एनर्जेटिक हो जाते, इतना एनर्जेटिक हो जाते कि बस मजा सारे यही है, देखने में मजा आ रहा है, तो आप जाने में कितना मजा आएगा भाई साहब। ये रिवर पे कुछ कर रहे हैं लोग, तो भाई साहब टोला गया इस पे, था ही नहीं यार ऑटोमेटिक कट रहा है ऊपर वो था इस पे। तो देख बच्चे हेलो कर रहे हैं अपने को, और सामने बर्फ का नजारा यार, आ रहे हैं हम अभी वहीं पे आ रहे हैं। और एक छोटी बच्ची है, रोहतांग है अपनी यहाँ से 75, मनाली है 19, सोलंग वैली 35। ये रहा पैरासूट, यहाँ पे काफी वो होती है, वो एक बैलून सा भी उसमें घुस के और चलना, पीछे काफी एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पुलिस है, ग्रीन टैग इस साइड से जाएगा, लोगे क्या भाई, ना नहीं लेना, ग्रीन टैक्स। तो गाइस फिलहाल लिया है, ये बेच रहे थे इस पे टोल टैक्स पे। ये कैसा आसू स्वाद में, आलू बुखारे, और ये क्या हो ये है? पता नहीं क्या है, नहीं नाम तो इनका क्या है पर याद नहीं नाम क्या। तो खाने में कैसा टेस्ट बता ना, खट्टे मीठे। तो ये लिया कुछ,
साथ साथ खाने कुछ लेते रहना चाहिए, फल फ्रूट्स मिले तो। भाई साहब आलू बुखारे देखो बढ़िया है भाई, मस्त गजब लगते होंगे ना यहाँ। लेंगे जो राके मिले तो। वाह भाई, जैसे ही मोड़ लिया और नजारा आंखों के सामने और मनमोहन वाला नजारा निकले की बात। ओए ओए होए जाएगा हडिम्बा टेंपल की कह रहा है। हडिम्बा टेंपल नगर पालिका मनाली, हडिम्बा टेंपल का मनाली मॉल रोड है ये, लेना अंदर मर्जी है, ले तो ले ना ले तो मत ले। कौन सा ये रोड है? मर्जी है। तो ये कर दी है गाड़ी ने चढ़ाई, ले थार कर दे चढ़ाई मनाली। इंडिकेशन दे दी है गाड़ी ने लो फ्यूल, फ्यूल डलवा लो जी। काफी देर हो गए हमने हमने आपका साथ देते देते, अब हमें भी भूख लग रही है। ये भाई साहब मनाली के अंदर का रास्ता है ना, ये अपने इसमें भरेंगे हडिम्बा टेंपल, क्योंकि ये तो सिर्फ मनाली तक का जिस डेस्टिनेशन भर रखी थी गूगल महाराज में, गूगल देवता में। तो मनाली में अपन सिर्फ जो देखेंगे वो देखेंगे हडिम्बा टेंपल। भाई तो भाई साहब अभी डलवाएंगे डीजल, आगे और सस्ता मिलता। तो भाई दूसरी बार डलवाए डीजल गाड़ी में, या फुल कर दो। और ये देखिए पेड़ की हाइट, चीड़ के पेड़। कितने कड़ी जलाता देखते हो, और वहाँ पेट्रोल पंप के साइड में जो ये जिप्सी वगैरह खड़ी, यहाँ पे रेंट में मिलती हैं बाइक्स स्कूटी, पर जिप्सी में पटाखे लेके जाते होंगे यहाँ से, ट्रैवल करवाते होंगे यहाँ। तो हिला हिला का डलवा रहे हैं डीजल, 4100 कर दो यहाँ पे उसको। हाँ 4100 कर दो पूरा। तो 4100 का आ चुका है डीजल फिलहाल, तो कुछ था थार में नहीं पहले। तो भाई साहब डीजल डलवा के और चल दिया मनाली से। तो जी हडिम्बा टेंपल का रास्ता पूछा है तो यहीं से ही बता रहे हैं कि यही रास्ता जा रहे हैं। तो ईवी के लिए भी है यहाँ चार्जिंग स्टेशन। चलो जी, और मौसम का रुख कुछ और ही हो रहा है, बदलता जा रहा है। 1.5 किलोमीटर तो हडिम्बा देवी टेंपल 1.5 किलोमीटर है गूगल देवता जी साहब। बुरा हाल है, ये भाई सब बैक कर रहे हैं। माल रोड वीडियो पार्किंग ओनली फॉर बस मनाली में यही देखने का है, यही चीज है जो माल रोड माल रोड रात को इस साइड देखने का आई थिंक बस। और एक हडिम्बा टेंपल है, और ये देख लो राफ्टिंग होगी यहाँ, पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग हो जाएगी। जाम देख लो मनाली में यही चीज है, ये चढ़ दिए हैं। तो हडिम्बा देवी टेंपल की कर दी चढ़ाई।
तो यह है पार्किंग, पेड पार्किंग, तो यहाँ लगाएंगे अपनी गाड़ी और फिर चलेंगे मंदिर पे। तो ये है भाई याक जो बच्चे बैठ के करेगा राइड, राइड के लिए हैं। और इस साइड जा रहा हड़म्बा देवी टेम्पल का रास्ता। ये रहा याक, हाँ ले ले प्रसाद, अब यहाँ से ले प्रसाद पूरा। तो गाइस ये रास्ता जा रहा है हड़म्बा देवी टेम्पल की साइड, चारों साइड देखो पेड़ ही पेड़ है, चीड़ के पेड़ ऊंचे ऊंचे। तो जी टेम्पल आ गया, ये रहा हड़म्बा देवी टेम्पल। तो ये है भी हड़म्बा देवी टेम्पल के अंदर चलने का, लाइन लग रही है, लाइन लग रही है। तो गाइस ये है लकड़ी से बना हुआ है ऊपर से सारा हड़म्बा देवी टेम्पल, जो है लकड़ी से बना हुआ है आगे तक। आई थिंक साइड में लकड़ी ऐसे वो मार लिया, पर नीचे ही है, बीच में लकड़ी है, बीच में लकड़ी का वो दे रखा है और बीच में पत्थर ही आई थिंक। ये देखिए ये लगा रखी क्या है, ये सींग है, सींग है नीचे खोपड़ी है, किसके सींग है पता नहीं, खोपड़ी है नीचे, वो सामने तो 12 सिंह हिरन के सामने 1533। तो गाइस इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुरगढ़ ने बहादुर सिंह ने 1533 ईस्वी में किया, किया था। और ये है जो किसकी थी, बरवरी की दादी थी, भाई बता रहे भीम की माँ, भीम की वाइफ। तो भाई बता रहे जो बात है, भीम की वाइफ थी ना, भीम की पत्नी थी, बरवरी की माँ थी खाटू श्याम की। ये फोटोग्राफी के लिए खरगोश, और ये बकरी का बच्चा कितना प्यारा है देखो। फिलहाल हड़म्बा देवी टेम्पल के दर्शन करके और चल दिए, और दर्शन काफी मस्त हुए, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, नहीं तो वो भी दिखाते। और अंदर से बहुत बढ़िया था मंदिर, बिल्कुल लकड़ी का था, हाँ, और ठंडा था, बहुत पुराना मंदिर था, बहुत बढ़िया था। फोटो क्लेम तो नहीं आओगी इसमें। और यहाँ पे मंदिर से निकलते ही ये है मार्केट, किसी को कुछ लेना हो सामान वगैरह। और फिलहाल चलते हैं जहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, पीछे झूले चल रहे हैं देख। तो फिलहाल आ गए वहां से अपनी गाड़ी खड़ी है पार्क, और ये देखो वो खड़ी सामने गाड़ी, वो देख सामने नजारा ऊपर, चलते हैं गाड़ी लेके यहाँ से, बर्फ देख ऊपर और वो नजारा देखिए, ये बर्फ का एक छोटा सा नजारा, अभी तक जहाँ नहीं पहुंची, अभी तक पहुंचने के बाद तो बढ़िया दिखेगा। और आज लेके आ रहे गाड़ी, तो भाई साहब गाड़ी में बैठ के चल पड़े आगे, और सामने लग रहे झूले देखिए, ये रे भाई मैं तो कभी ना बैठू इनमें, हाँ इनमें कभी ना बैठे भाई, अपने वहाँ ट्रेजेडी हुई थी रेवाड़ी साइड। कितना हुआ यहाँ का, कितने हो गए भैया? 100 भाई साहब तोड़ कर दिया भाई साहब। बात ऐसी है, कोई अपनी गाड़ी 2 मिनट खड़ा करे या 3 मिनट खड़ा करे, या फिर खड़ी करके और 1 मिनट वापस आ जाए, तो भाई साहब 100 रुपए की पर्ची थमा देते हैं तब की तब। देख रहे हो मोल में भी ना होता है ऐसा। तो जी चलो
कोई बात नहीं, जो है वो है। तो चलते हैं अब यहाँ से, बोलते हैं हडम्बा देवी टेम्पल को यहाँ से टाटा बाय बाय। बचने और बचाने का भाई साहब देखा क्या स्किड किया, बचने और बचाने का ना काम, काफी गाड़ियां ठुकती होंगी यार। वैसे हमारे तो दो गाड़ियां ठुक भी रही थी आपस में, आराम से चलाने का काम है बिल्कुल। जहाँ आपको गाड़ी दिख जाए वहीं, जहाँ थोड़ी ही चटकी दिखाने की कोशिश की वहीं गाड़ी का, जैसे गाड़ी आके दिख रही आती है रोक लो बस, आराम छोटी जगह निकल जाएगी आराम से, वेट करना पड़ेगा। हम चल रहे हैं तो जी, अब निकल रहे हैं यहाँ से मनाली से, और अब चलते हैं आगे। कहाँ जा रहे हैं अभी फिलहाल भाई, क्या क्या बरख है? जिसपा बरख है, तो अभी चल रहे हैं जिसपा यहाँ से, मनाली घूम लिए बस। अब कुछ बाहर निकल के कुछ खाएंगे, हाँ बाहर निकल कुछ खाएंगे, क्योंकि काफी देर हो गई कुछ खाए नहीं, 10 बजने वाले हैं। सिर्फ चाय चाय पी थी और थोड़ी सी अपने पास घर की मट्ठी थी, वो खाई थी बस। देखिए वर्ल्ड हाईएस्ट हैंगिंग रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको ये पिक्चर आ रही थी, यहाँ पे आपको ऊपर ले जाके और खाना खिलाएंगे बस, हवा में लटका के आपको व्यू के नजारे देंगे। ये देखिए रोहतांग टंट पोल लेह 426 बता, ये देखो गाइस कम है, पानी कम है, नहीं तो ये सारा भर जाता होगा ये कंप्लीट, ये जो पत्थर वगैरह दिख रहे सारे ढक जाते होंगे पानी पानी से ही, इन पे खड़े होकर फोटोग्राफी करवाता हो, कोई करवाता होगा था ये।